दिस सैयद यावर हसन और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अभी देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन नहीं करना चाहेगा? देखिए, मेल हो या फीमेल, ट्रांसफॉर्मेशन सबका पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कितना गया। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिक्स पैक्स या फिर आपका 26 वेस्ट लाइन आना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो आप पहले थे आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो आज आप नहीं हैं। हम इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ये मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर प्रेम बिलानी, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप पिक्चर में देखें किस तरीके से हमने इनको ट्रांसफॉर्म करा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से वेट लॉस और मसल गेन करा जाता है। सबसे पहले इस कंडीशन में देखें, जो इनकी उम्र काफ़ी छोटी है, तो हमने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करवाई। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वेट लॉस करा कार्डियो करके, बट कार्डियो भी ऐसा नहीं करा कि वो एक ही पर्टिकुलर मशीन पर घंटों उन्होंने स्पेंड करा हो। नहीं, साइकिलिंग और अदर फिजिकल एक्टिविटी जो बॉडी वेट में आती है, जिसमें वेट लिफ्टिंग नहीं है, उस तरीके से करके इन्होंने अपना काफ़ी हद तक बॉडी वेट लॉस करा। और जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं, ये उस वेट लॉस के बाद की पिक्चर है। अब यहाँ इनका जर्नी स्टार्ट होता है, जर्नी स्टार्ट होती है मसल बिल्डिंग की। क्योंकि देखिए, जैसे आप वेट लॉस करते हो आपका अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतने मसल गेन करें। देखिए, जब भी हम किसी क्लाइंट को वर्कआउट स्टार्ट कराएं, तो सबसे पहले समझ लें उनका गोल क्या है, उसे पूछ लें कि वो बनना क्या चाहते हैं, वो कितना डाइट ले पाएंगे, उनके जो ऑफिस आवर्स बिजनेस आवर्स हैं वो कितने हैं। जब ये सब कैलकुलेट करके आप एक स्केड्यूल एक कस्टमाइज प्लान बनाते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर क्लाइंट को आपको बहुत ज़्यादा वज़न उठवाना है, पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डेडलिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। जितना कि वो बर्दाश्त कर पाए उतना वर्कआउट उसको कराओ, ताकि वो रिकवर कर पाए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिकवरी से बॉडी बनती है, ट्रेनिंग से नहीं। ट्रेनिंग तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो ऑलरेडी बॉडी है उसमें वेयर एंड टेयर आप कर रहे हो, लेकिन जब आप उसमें रिकवरी लेकर आते हो, तब जाके आप इस तरीके की फिजिक लेकर आते हैं। इस फिजिक को अचीव करने में हमको 6 मंथ लगे। डाइट का सबसे बड़ा रोल था, चीट शायद ना के बराबर थी, कंसिस्टेंसी 100 और 200% थी। यानी कि शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जब हमने ट्रेनिंग नहीं करी हो। कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन ये रिजल्ट लेकर आता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है जब आप अपने क्लाइंट को ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले, आप जिस तरीके से दूसरे लोगों को ट्रेन करते हैं, उस तरीके से इनको ट्रेन ना करें। अगर कोई वेट लॉस करता है, तो ध्यान रखिए, जब किसी भी क्लाइंट ने एक्सट्रीम 15 से 20 किलो वेट लॉस करा होता है, तो वो सिर्फ पानी का वज़न नहीं होता, वो फैट का वज़न नहीं होता, उसमें मसल भी होते हैं। और दोबारा से जब वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, तो उसको बहुत वीकनेस आती है, फटीक आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेथार्जिक फील करता है। सो स्लो एंड स्टडी उसके साथ वर्कआउट करें। प्लान आप कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम सिंगल मसल करेंगे तो ज़्यादा गेन करेंगे, डबल मसल फैट लॉस के लिए होता है, पुश पुल लेग हम लोग एक्सट्रीम फैट लॉस कर सकते हैं, ये मिसकंसेप्शन है। किसी भी तरह के वर्कआउट का, किसी भी तरह के प्रोग्राम का वेट लॉस, वेट गेन, मसल लॉस, मसल गेन से कोई लेने देना है। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, डेफिसिट में है, सरप्लस में है, प्रोग्राम कोई सा भी चले, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। सो आप देखें कि आपका जो क्लाइंट है वो किस में ज़्यादा कंफर्ट है, आप किस तरह के स्ट्रेंथ में वो अच्छे से रिकवरी कर पा रहे हैं। फिर वो अगर सिंगल मसल हो, डबल मसल हो, पुश पुल लेग हो, या कोई भी वर्कआउट मेथड हो, सब चलेगा। आपके क्लाइंट की रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। पता चला वो एक दिन वर्कआउट करता है, 4 दिन उसकी बॉडी में पेन रहता है, ऐसे में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात, आप अपने क्लाइंट से बात करते रहें। ऐसा नहीं कि आप, वो क्लाइंट आपसे कुछ बोल नहीं रहा तो आप उसको कराए जा रहे हैं, उसकी उसको मार देना नहीं है। उससे पूछें कि जो आप वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा है उस वर्कआउट को या नहीं कर रहा, या फिर वो वर्कआउट को स्ट्रेस में कर रहा है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं, आप उस वर्कआउट पैटर्न को या वेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म होना है, इसलिए आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ध्यान रखें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्कआउट को इंजॉय करना, इंजॉय का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत कंफर्ट जोन में हंसी खुशी से वर्कआउट करके चले गए। इंजॉय का मतलब, यस, आप उसको डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, आपका माइंड मसल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। आप जब जिम आ रहे हैं तो आपको जिम आने का मन कर रहा है, आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको वेट उठाने का मन कर रहा है। ये सब चीज़ें फैक्टर मैटर करते हैं एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद मेहरबानी करके, हाथ जोड़ के मैं आपसे मेहरबानी करता हूँ, इन बच्चों को सप्लीमेंट मत दें।
मैंने प्रेम को कोई फैट बर्नर, किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया, एनहेंसमेंट जिसे बोलते हैं, किसी भी तरह का नहीं दिया। बच्चे हैं, इनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। किसी भी तरह का शॉर्टकट, फैट कटर्स, फैट बर्नर्स, किसी भी, मैं तो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं लेना चाहिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। डाइट इस दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन है, डाइट इस दुनिया का सबसे बड़ा फैट बर्नर है, डाइट इस दुनिया का सबसे बड़ा मसल बिल्डिंग प्रोडक्ट है। डाइट को, डाइट की नॉलेज है, वो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट से दूर रखें एक अच्छा डाइट। अगर आप ट्रेनर हैं और आपको डाइट के बारे में नॉलेज नहीं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप एक ट्रेनर हैं, आपका काम नहीं है डाइट बनाना। सो एक अच्छे डाइटिशियन से अपने क्लाइंट को मिलवाएं, ताकि वो उनको एक डाइट प्लान बना पाए उनके बॉडी के गोल के हिसाब से। एक और पॉइंट जो मैं सभी क्लाइंट से बोलना चाहूँगा, ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। नो डाउट आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा एक ट्रेनर को हायर करना, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड के लिए अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं और एक अच्छे रिजल्ट आपको शॉर्ट टाइम में चाहिए, तो एक अच्छे ट्रेनर पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वही ट्रेनर आपको ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी को आप खुद से नहीं समझ सकते अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो एक ट्रेनर ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट, अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको किसी क्लाइंट को वेट लॉस कराने की नीड पड़ रही है, तो उसको एक अच्छी डाइट दें। जिसको 1-2 घंटे कार्डियो के अंदर उसको बर्बाद ना करें, अपना टाइम भी और उसका टाइम भी, क्योंकि आपको पता है कि कार्डियो उसके हार्ट पे, इतना ज़्यादा कार्डियो उसके हार्ट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की पावर को समझें कि वो किस तरह से वेट लॉस कर सकता है, फैट लॉस कर सकता है, मसल बिल्ड कर सकता है, जो कार्डियो कभी नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा कार्डियो पे ना रह के उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएं, और उसके साथ काउंसलिंग करते रहें, उसको मोटिवेट करते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, बस उनको ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच।